उसके बारे में ना ही किसी को कुछ लिखना ना ही पढ़ना चाहिए। उसका नामो निशान इतिहास के किसी भी पन्ने में नहीं होना चाहिए। I am enforcing the army and signing the death warrant of the biggest criminal in India. इस विराट में इतना रुबाब कहां से आ गया? उसे मैं ही मारूंगा। वो बंबई वाला था ना, क्या नाम था? रॉकी। उसको मार दिया ना? मिस हो गया साला मेरे हाथ से। केजीएफ भेजा था गरुड़ा को मारने, लेकिन वो गया था केजीएफ पे राज करने। उसके लिए पहले गरुड़ा को मारना था, गार्ड से बचना था और सबसे ज्यादा लोगों को अपनी तरफ खींचना था। इसीलिए शॉर्ट सर्किट किया और व्हाइट लाइन पार की। लेकिन पहले वो गया था विराट को मारने। वहां से तीन कैदियों में से एक बनके सबके सामने उसने गरुड़ा को मार डाला। जब वानरम के गार्ड्स बंदूक पकड़े खड़े थे, जिन लोगों में सर उठाने की हिम्मत नहीं थी वही लोग रॉकी को ऊपर खड़े देखकर गार्ड्स के सर कुचल के आगे बढ़ गए। लोगों ने रॉकी को अपना सुल्तान मान लिया था। डोंट टच मी। रीना, तुम यहां कैसे? फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में बैठी थी, जबरदस्ती उठा के लाए हैं। कौन है वो? ऐसा क्या अर्जेंट था जो अकेले आने के लिए बोला? रॉकी को मार सकते हैं। We'll be right back.
करना मुश्किल है, वहां पे करुणा को मारना मुश्किल है। वो केजीएफ कोई कंट्रोल में लेगा ये कभी सोचा भी नहीं था। खिलाड़ी है वो। कैसे कह सकते हो कि वो इस चक्रव्यूह को तोड़ नहीं पाएगा? मछली को हमेशा लगता है वो केंचुए का शिकार कर रही है। उसे काटने पर पता चलता है कि वो एक बंसी है। अब बंसी किसके हाथ में है जानते हो ना? बचना नामुमकिन है। भगवान ने घुटने टेक दिए। बोर्ड पढ़ना नहीं आता क्या? कितने कदम रखे, कितने सर कटे केजीएफ बनाने के लिए। अभी तूने एक कदम रखा है, दो चार लोगों को मारकर तुझे ऐसा लगा कि तू ऊपर चढ़ गया। लेकिन इस खेल में सिर्फ सीढ़ी नहीं, सांप भी है। और उसमें एक ऐसा सांप जो अगर कभी डसेगा तो तुम सीधे नीचे गिर जाओगे। जा, छोड़ दिया तुझे। आज मैं तुझे नहीं मारूंगा। तुझे अपने लोगों के पास जाना होगा। उन्होंने बहुत भरोसा किया है तुझ पर। उनको ऐसा देखना होगा तुझे। तेरा खून देखना होगा। उनका भरोसा तोड़ना होगा।
कह देना उनको कि मैं आ रहा हूं अपनी तलवार और KGF लेने। सर धड़ से अलग हो गया, अब हाथ पैर शरीर